मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने तरीके से तमाम विषयों को जल्दी जल्दी निपटा करके इस जनहित के मामले को सुनने की कृपा की है, इसलिए सबसे अधिक मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान, घनघोर महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जानलेवा महंगाई है और हर चीज महंगी है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगा, हर तरह की दाल महंगी, हर तरह का अन्न महंगा, बिजली महंगी। आप बीच में व्यवधान न डालिए। बिजली महंगी, चाहे घर की हो, चाहे ट्यूबवेल की हो, चाहे छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों की हो, सीमेंट महंगा, सीरिया महंगा, बालू महंगा, मोरंग महंगा, गिट्टी महंगा। अध्याय जी, क्या क्या बताऊं कि नहीं महंगा, केवल एक ही सस्ता है इस सरकार में, लोगों को जान मार देना। और ये सब चीज महंगा है। ये सरकार कहती है मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त अनाज, मुफ्त आधारभूत ढांचा, निःशुल्क बैंक खाता, गैस सिलेंडर और मुफ्त बहुत कुछ का ध्यान आप रही है। सरकार पीठ थपथपाती, अभी थपथपा रहे हैं। जनता से 10 रुपया वसूल करके 4 रुपया वापस करना, 6 रुपया गप कर लेना। लोग जो गरीबी रेखा के जीवन नीचे यापन कर रहे हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप सर्वे करवाएंगे सरकार से, तो जो गरीब हैं अत्यंत गरीब हो गए हैं, और जो चंद पूंजीपति हैं इस देश के, उनकी केवल कोरोना काल में खरबों रुपया आमदनी बढ़ गई है, खरबों रुपया। और गरीब आदमी जो बॉम्बे, महाराष्ट्र, बंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, असम, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जो जा करके मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, वो घर आ गया, आज वो पैसे पैसे के मोहताज बना हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मई 2016 में क्रूड ऑयल की कीमत रुपया 45.01 पैसे थी, तब पेट्रोल की कीमत था 62.19 और डीजल का था 50.95। आज जब 16.8 2021 को कच्चा तेल हो गया है 51.8 पैसे, तब पेट्रोल हो गया है 98.989, यानी 99%। पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का 90.24 पैसे में बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार जनता से अधिक वसूल करने की नियत से इसे जीएसटी से बाहर रख दिया, लगा ही नहीं। डीजल पेट्रोल की महंगाई से भारत उत्पादन लागत बढ़ती है, बढ़ी है, जिसका प्रभाव प्रत्येक वस्तुओं पर पड़ी है महंगाई होने के लिए। श्रीमान, रसोई गैस की कीमत 1 अक्टूबर 2016 को 490 थी और आज कितना हुई है, 2021 में हुई है 897.50 पैसे घरेलू गैस, और कमर्शियल गैस हो गई है 165 रुपये में मिल रही है। घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी भी लगभग खत्म कर दी गई है। सरसों का तेल जनवरी 2020 में 85 रुपया प्रति लीटर था, आज उसका 200 रुपये लीटर बिक रहा है। जनवरी 2020 में रिफाइंड 85 रुपये था, अब 150 रुपये पर बिक रहा है। अरहर दाल 70 रुपये किलो था, 95 रुपये में मिल रहा है। उड़द दाल 80 रुपये था, 130 में मिल रहा है।
मूंग का दाल 72 रुपये था, 120 रुपये में। चना और मसूर का दाल 55 रुपये था, 75 रुपये में बिक रही है। चीनी 32 रुपये, 37 रुपये में मिल रही है। तेल, रिफाइंड, माल भाड़ा, दाल, कागज, प्लास्टिक, स्टेशनरी तक में 35 से 40 रुपये तक वृद्धि हुई है, महंगी हो गई है। फल और गैर शराब वाले पेय पदार्थ, परिवहन, ईंधन, बिजली, पानी सब महंगे हो गए। सब्जियां 10 से 15 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। डीजल, बिजली, खाद, बीज की महंगाई से किसान निराश हो गया है। उसकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है, बिचौलिए लाभ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाइयां श्रीमान विगत 2 माह में 20% तक बढ़ी है। 1 माह पहले ब्लड प्रेशर की दवा एम्पली प्रेस एंटी 123 रुपये में थी, 135 रुपये में मिल रही है। कोलेस्ट्रेल की गोली रोजावेल 303 से 330 रुपये में। दर्द की इंडोकैब एसआर 105 से 115 रुपये में बिक रही थी। यूरिक एसिड की दवा फेबुस्टेट 40-48 रुपये से 2002 रुपये में बिक रही है। सांस की दवा एबी फ्लो कैप्सूल 112 रुपये से 123 रुपये हो गई। एबी फाइलिन 100 mg 123 से 135 रुपये हो गई श्रीमान। गैस की पैन डी 178 से 190 रुपया हो गई। डायबिटीज की ट्राइजेम 92 रुपये से 115 रुपया हो गई। इंसुलिन 3284 से 3612.00 रुपये हो गई। ह्यूमन इंसुलिन 161 से 177 हो गई। ह्यूमालग 3725 रुपये से 4095 रुपये हो गई। बीपी की दवा लोसा 50 98.25 से 107.85 हो गई श्रीमान। स्टार प्रेज एक्स एल 94.46 से 96.24। मोनिट 173.50 से 190 रुपया हो गई श्रीमान। यहाँ तक कि ब्रांडेड दवाओं का मूल्य जेनेटिक दवाओं से दुगुने दामों में बिक रहा है और सभी डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवा ही खरीदने के दबाव देते हैं। आज थोक मूल्य पर आधारित महंगाई 9 साल के उच्चतम स्तर पर 12.94% हो गई है। खुदरा महंगाई दर 6.3% पर पहुंच चुकी है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार छिन गए, जमा पूंजी समाप्त हो गई, कर्ज लेकर किसी तरह से गुजार बसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार की बनियागिरी नीतियों से बढ़ती महंगाई के कारण जनता में भयंकर आक्रोश है जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। अतः यह अवलंबनी लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इससे बड़ा सवाल जनता के लिए कोई हो नहीं सकता। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। इस मामले पर किसी को अलग नहीं होना चाहिए। कल ही हमको वोट लेने जाना है। अगर हम सत्ता के चक्कर में कह देंगे कि पार्टी अपना कार्रवाई करेगी कि नहीं महंगाई नहीं है, तो जनता हमको बख्शेगी नहीं। इससे महत्वपूर्ण सवाल और कोई नहीं है अध्यक्ष जी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सदन की शेष कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।